हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू सीपीटी इंस्टीट्यूट। हम आपको आज कटिंग लेंथ के बारे में बताएंगे डायमंड स्ट्रप्स की। यदि आपके पास ये कॉलम है और ये आपकी एक रेक्टेंगल स्ट्रप डली हुई है और यहाँ उसके ऊपर डायमंड स्ट्रप डली हुई है, तो उसकी आप कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे। हमारा BBS का पार्ट चल रहा है, आप देख सकते हैं कि जो हमारी ये डायमेंशन, इसको हमने एच मान लिया, इसको एच मान लिया, इसको एच मान लिया, इसको एच मान लिया, और जो हमारी सेंटर टू सेंटर डायमेंशन बाई डायरेक्शन में उसको हमने बी माना और एक्स डायरेक्शन में उसको ए मान लिया। ये हमको उस कॉलम की साइज गिवन दी गई है। क्लियर कवर 40 mm, डायमीटर ऑफ स्ट्रप्स 8 mm। तो कटिंग लेंथ हमारा फॉर्मूला होता है 4h प्लस हुक लेंथ, जहाँ पे h क्या होता है हमने अलग से यहाँ पे समझाया है आपको। यदि आप इस ट्राइंगल को मानेंगे तो h इक्वल ए बाई टू का स्क्वायर प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ ए बी की वैल्यू निकालने के बाद आप h की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे कटिंग लेंथ निकाल लेंगे। तो इस तरीके से आपको कटिंग लेंथ सिखाना बताते हैं BBS में, बार बेंडिंग शेड्यूल में, और भी इसका पूरा पोर्शन बताते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर आप BBS, किस तरीके से आपको BBS को